हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल एट योर होम अबाउट योर स्टडीज एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली मेम्बर्स. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्राइमरी एक्सेलरीज. प्राइमरी एक्सेलरीज क्या हैं? जैसे हमने देखा होगा, एक होती है बेसिक वर्ब्स या मेन वर्ब्स, जिसमें हमने पढ़ा होगा वर्ब के बारे में कि इन विच द वर्क इज डन, जिसमें कार्य किया जाता है, कार्य दिखता है कि कोई कार्य हो रहा है, या हिंदी में पढ़ते हैं जिसमें कोई कार्य करना या होना पाया जाता हो. या हम लोग पढ़ते थे छोटे पर, तो हमें एक ट्रिक बताई गई कि जिसके लास्ट में ना लगा है, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब कुछ ये बेसिक वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएँ हैं. बट जो प्राइमरी एक्सेलरीज हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है इसमें. तो ये प्राइमरी एक्सेलरीज वो हैं जो टेंसेस के दौरान वर्ब की हेल्प कर रही होती हैं, टेंस के निर्माण में, वचन कहते हैं वाक्य के निर्माण में, कि वो किस काल का है. ठीक है, तो उस हेल्प के लिए जिन वर्ब की जरूरत पड़ती है, वो बेसिक तीन वर्ब हम देखेंगे, बी, हैव एंड डू. अगर हम बी की बात करें सबसे पहले बच्चों, तो जब हम बी को देखते हैं तो इसे हम इस तरीके से देखेंगे, इज, आर, एम, वॉज, वर. ठीक है, इस तरह से हम इज, आर, एम को देख के हमें पता लग गया होगा कि इसका यूज हम प्रेजेंट में करेंगे, और वॉज, वर का पता हमें लग गया होगा इसका यूज हम पास्ट में करेंगे. ठीक है, जैसे हमें कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया है खेल रहा, तो प्लेइंग, लेकिन ही प्लेइंग, ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, ही प्लेइंग, वह खेल रहा, इसमें कोई बुराई नहीं, यहां पर सेंटेंस कंप्लीट है. लेकिन यहां पर अगर हम एक्सेलरीज का यूज ना करें, प्राइमरी एक्सेलरीज का या हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करें, कि इज है या वाज है, विदाउट यूजिंग इज एंड वाज, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट वेदर दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. ये बेसिक चीज आप लोग अगर समझ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे विद इन अ सेकेंड कि प्राइमरी एक्सेलरीज की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन में या टेंसेस में, कि जैसे ही इज लगेगा तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जैसे ही बच्चों ये इसमें वाज लगाया तो ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब आपको लगेगा कि फ्यूचर कहां रह गया, तो यही बी आगे चल के आपने देखा होगा, विल बी और शैल बी की तरह यूज होती है. तो जो विल और शैल तो मॉडल वर्ब्स हैं, बट ये बी जो हम लगाई ये हमारी प्राइमरी एक्सेलरीज है. गॉट इट? तो बाय यूजिंग बी, इज, आर, एम, वाज, वर या बी, वी कैन मेक द सेंटेंस, वी कैन मेक द डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. गॉट इट? हो गया. इस तरीके से हम एक बी से इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी और शैल बी की तरह यूज कर हम तीनों कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे. अब हम अगली एक्सेलरी की बात करेंगे, ये है हैव, इसे हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं. तो इसके तीन टाइप होंगे, हैज, हैव एंड हैड. हैज, हैव का यूज हम काय में कर रहे होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जब हम हैज और है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर फिर ध्यान दें, जब हम हैज का यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तब ये प्राइमरी एक्सेलरी है. लेकिन अगर हमने हैज का यूज करा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां पर ये मेन वर्ब बन जाती है. एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा मैं, आई, चलिए हैज की बात करें, तो ही हैज सीन द ताज, वह ताजमहल देख चुका है. तो यहां पर ये हैज जो है ये प्राइमरी
एक्सेलरी है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लिख दें, ही हैज अ पेन, वह एक कलम रखता है, तो यहां पर ये हैज अब वर्ब है, मेन वर्ब, क्योंकि अब ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि यहां पर हैज का मतलब हो गया रखता है, ता लगते ही इंडेफिनेट, ये तो हम जानते हैं ना, पहले की वीडियोस में देखा है, ता होते ही तातीते इंडेफिनेट, तातीते के साथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ता के साथ था है या थी है, ती थी या ते थे, तो हो गया पास्ट इंडेफिनेट। गॉट इट। अब हम तीसरी और आखिरी एक्सिलरी के बारे में बात करेंगे, यह है डू। इसमें होता है डू, डज एंड डिड, ठीक है। डू डज को हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसका हम यूज करते हैं, डज का हम सिंगुलर में कर रहे होते हैं ये हमें पता ही है, और डू का हम प्लूरल में कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमें सब पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स, तो हमें एक्सिलरी समझना है। यहां भी वही बात मैं कहना चाहूंगा, जब डू या डज किसी वर्ब के साथ यूज किए जाएंगे तब होंगे प्राइमरी एक्सिलरी। जैसे एक सेंटेंस में यहां पर फिर कोट करना चाहूंगा, आई डू नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करता हूं, तो यहां पर ये डू जो है ये प्राइमरी एक्सिलरी है। लेकिन अगर मैंने एक सेंटेंस दूसरा लिखा, आई डू माई वर्क, अब ही पर यहां पर चूंकि दूसरी वर्ब तो है नहीं, आई सब्जेक्ट है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या है, डू। अब यही डू यहां पर एज ए वर्ब आई है, इसका मतलब है कार्य करना, मैं अपना कार्य करता हूं, डू मीन्स करता। डज का यूज भी ऐसे होता है, अगर यहां पर ही कर देंगे तो ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य कर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ डू या डज को देखकर ही आप आइडिया ना लगाएं कभी कि ये एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रही, ये तभी एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगी जब साथ में कोई मेन वर्ब होगी या बेसिक वर्ब होगी। ऐसे ही हैज हैव को हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई, अब यहाँ पर पास्ट टेंस की बात। पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, और इसी तरह से यहां हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करते हैं, तो हमें पता ही है, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा, आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता नहीं की, ठीक है। तो यहां पर डिड एक्सिलरी वर्ब है, और सेम सेंटेंस मैंने लिखा, आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने ये किया है, तो यहां पर डिड वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे द डिफरेंस बिटवीन वर्ब्स एंड प्राइमरी एक्सिलरी, दीज आर बी, हैव, डू। बी का मतलब है इज आर एम, वाज वर, या जब हम विल और शैल के साथ बी का यूज करेंगे तो ये प्राइमरी एक्सिलरी की तरह यूज होंगे, बिकॉज ये सेंटेंसेस को नहीं बना रही हैं, सेंटेंसेस का जो टाइप है कि ये इंडेफिनेट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, या फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये जो डिफरेंस क्रिएट कर रही होती हैं, तो इसमें हम इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ये प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं। हैज, हैव और हैड, हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं और हैड का यूज हम पास्ट में कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे फ्यूचर यहां रह गया, फ्यूचर में हम विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं ना, तो यहां पर विल शैल के साथ, विल शैल मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रही है, हैव इनका प्राइमरी एक्सिलरीज बना रहा है, ठीक है। ऐसे यहां पर हम देखेंगे डू, डज, डिड, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में केवल विल लगता है, वहां पर एक्सिलरी वर्ब के बगैर भी टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर अबाउट
प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर देखें बार बार, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।